जी ने शराब में घोटाला किया है और उनपे कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मात्र एक महीना पहले डरने वाले लोग नहीं है, हम तो फाइटर लोग हैं, हम आए ही जेल, हमें भेज दो, जेल भेज दो। नहीं नहीं प्रियंका जी, नाखून कटा के शहीद मत बनिए, आपको वाहवाही भी हजम नहीं होती तो हम लोग क्या करें? आप बताइए ना, आपका कोई इलाज नहीं है, बताइए। कोर्ट का निर्णय इनके पक्ष में आ जाए तो लोकतंत्र की जीत है, और आप पूछ रही है कि इनके नेता अंदर हैं, तो भाई वो तो कोर्ट में परमिशन नहीं मिल रही है ना। 49 दिन के बाद सरकार गिरी, इन्होंने कहा गलती हो गई, दोबारा कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। और अभी आलोक जी, अब आपको सुनना होगा, आपने बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया, मेरे के कपड़े के रंग तक आप उतर गए, अब आप सुनेंगे, अब मैं बोलूंगी। मर्यादा के अंदर है कि अब बात कीजिए, और मेरे कपड़े के कलर और मेरे उस पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। सुबह तक शाम की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गया हूं एक नई डिबेट, और डिबेट है आज तक चैनल से, और डिबेट में भाग ले रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से, आलोक शर्मा कांग्रेस से, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से, अरविंद भदौरिया समाजवादी पार्टी से, और अरविंद वाजपेयी एलजेपी से। डिबेट चल रही है कांग्रेस आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो बेमेल गठजोड़ हुआ है ना, जैसे आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कांग्रेस से गठजोड़ हुआ लेकिन पंजाब में नहीं हुआ, करामा कैडा के डल रहे, तो बेमेल गठजोड़ के ऊपर वाद विवाद चल रहा था। आलोक शर्मा ने एक ऐसी बात बोल दी अंजना ओम कश्यप को कि बस, अंजना ओम कश्यप ने ऐसी भद उतारी आलोक शर्मा की कि भाई बोलती बंद कर दी। तो देखते हैं इस गर्मा गर्म डिबेट को, चलो शुरू करते हैं इस डिबेट। आपके साथ शुरुआत करते हुए आतिशी कह रही हैं कि आप लोगों ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन छोड़ो वरना जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल, और सैटरडे को नोटिस भी देने वाले हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आम आदमी पार्टी समय समय पर चित्र विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है, उसकी क्या गंभीरता से लिया जाए। पर अंजना जी, आज की इस गठबंधन के बाद मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। जब आम आदमी पार्टी नई नई बनी थी तो एक बयान याद करिए केजरीवाल जी का, ये सब मिले हुए हैं जी, ये तो एक दूसरे के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार भी नहीं खड़ा करते नेताओं के खिलाफ, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में एक दूसरे से मिले हुए जी, हम आएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे जी। और आज मिल गए जी, भ्रष्टाचार के आरोप में आकर मिल गए जी, और उसी को लेकर बचाव कर रहे हैं जी। और इसीलिए कहा है ना कि वक्त के साथ कैसे बदलता है आदमी का किरदार, वो देखना हो तो आज देखिए। और सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर भी कह देना चाहता हूं, ये दोनों ऐसे दो युवाओं के बीच का गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में, जिनके युवाओं की बड़ी खासियत है, एक तो दोनों 50 साल से ऊपर के हैं मगर दोनों युवा हैं, और दोनों की खासियत यह है कि अपनी पारिवारिक विरासत को किस मुकाम तक पहुंचाया है। राजीव गांधी जी, मतलब राहुल जी के पिताजी, 400 सीटें लेके आए थे, राहुल जी ने 44 पहुंचा दिया। मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी के पिताजी, 2012 में अपने दम पे पहली बार सपा ने स्पष्ट बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, अखिलेश जी 57 पे ले आए। तो दोनों ही कुल गौरव जो हैं चिर युवा भारत की राजनीति के, उन दोनों ने आपस में हाथ मिलाया, तो हमारे लिए इसमें कुछ नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक सहज कौतूहल और मनोरंजन का विषय है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। केजरीवाल की पूरी लड़ाई ही उस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी, और पीएम कहते हैं कि जेल जाने के डर से ये अलायंस हो रहा है। अंजना जी, जब से इंडिया गठबंधन की बात होने लगी है तो आप देखेंगे भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी खुद इंडिया और भारत में आपस में लड़ाई कराने लग गए शब्दों में, कि क्या सीबीआई दोबारा से नोटिस भेजने वाली है अरविंद केजरीवाल जी को सैटरडे को, 41A का नोटिस, क्या अरेस्ट करने वाली है। सुधांशु जी ने कोई खंडन नहीं किया इस बात का, बहुत गंभीर आरोप है। आतिशी जी को बताना चाहिए ना कि किसने ये कहा है, ये किसकी तरफ से आया है, ये संदेश कोई हवा में तो आया नहीं होगा, मोबाइल पे आया होगा तो मोबाइल नंबर होगा, व्यक्ति ने दिया होगा तो व्यक्ति का नाम होगा, कुछ तो बताइए डिटेल्स, वरना कौन विश्वास करेगा, फिर तो लगेगा कि ऐसे एक के बाद एक आ ही रहे हैं नोटिस, झूठ बोला जा रहा है। अंजना जी, इतने शातिर क्रिमिनल लोग हैं भाजपा में कि आपको लगता है वो इतनी बड़ी बेवकूफी करेंगे कि डायरेक्ट फोन कॉल करेंगे? पर मीडिया के जरिए तो खुलासा कीजिए ना। आप देखिए, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। मीडिया भी दबाव में रहता है हम लोगों के ऊपर, तो हम डरने वाले लोग नहीं है, हम तो फाइटर लोग हैं, हम आए ही जेल, हमें भेज दो, जेल भेज दो, नाखून कटा के ना शहीद मत बनिए प्रियंका जी, आपको प्रियंका जी नाखून कटा के शहीद मत बनिए, हम लोगों ने बुलेटिन की शुरुआत ही की आतिशी जी के बाद से। मनीष सिसोदिया, एक सेकंड, नहीं नहीं प्रियंका जी, हम लोगों ने किस खबर से शुरुआत की?
हमने आतिशी के आरोप से ही तो शुरुआत की, आतिशी जी ने बतौर मंत्री जो आरोप लगाया उसके साथ शुरुआत की, जबरदस्ती का शहीद बन रहे हैं आप कि हमने ये किया वो किया, आरोप तो दिखाया हमने, क्यों मीडिया पर बार बार पकड़ रही है? धांशु जी से पूछिए कि लगातार ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे मंत्रियों के खिलाफ एक रुपए की चवन्नी अगर नहीं मिलती उसके बावजूद वो जेल में कैसे इतने साल से? जवाब दीजिए सुधांशु जी, छोटा सा जवाब, फिर मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों के पास। ये लोग कितना अद्भुत उत्तर देने लगते हैं, बताइए कोर्ट का निर्णय इनके पक्ष में आ जाए तो लोकतंत्र की जीत है, और अब पूछ रही है कि इनके नेता अंदर हैं, तो भाई वो तो कोर्ट में परमिशन नहीं मिल रही है ना, इस कारण से अंदर है। बात तो सही है दौड़ा। और आप तो वो पार्टी है जिसने ये कहा था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, मगर आज आप ये कहते का प्रयास करते, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आलोक जी आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। मतलब रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा एक दिन आएगा जब कांग्रेस केजरीवाल जी से और केजरीवाल जी कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे। कमाल कर दिया आप लोगों ने, मैं सत्ता में आया तो एक दिन के अंदर शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। जिस पार्टी की उत्पत्ति ही कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई, जिसका खामियाजा आप लोगों ने ऐसा भुगता कि अभी तक उबर नहीं पाए हैं, उनसे भी हाथ मिला दिया। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जेल जाने के डर की वजह से हो रहा है ये सब। मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि किस तरह से आज जिन लोगों के राजनीतिक मतभेद थे वो भी साथ आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में एक वॉशिंग मशीन वाली सरकार बैठी हुई है। अब रामचंद्र जी पता नहीं वॉशिंग मशीन के बारे में तो कुछ कह के नहीं गए होंगे, उस टाइम वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी कि भाई वॉशिंग मशीन में डालो और सबको निकाल लो। सुधांशु जी छोटा सा जवाब, फिर प्रियंका जी। अब छोटा सा जवाब दे देता हूं। ये डायलॉग बहुत बोलते हैं कांग्रेस के लोग कि वॉशिंग मशीन है, जरा इनसे ये पूछिए ये कालिख वाली काजल की कोठरी कहां है, जहां से कालिख लगवा के आते हो फिर कहते हैं वॉशिंग मशीन, तो पहले ये तो बता दो मेरे भाई वो कालिख वाली काजल की कोठरी कौन सी है आके। क्या बात है। तो मैं एक पंक्ति में सिर्फ कहना चाहता हूं कि सुबह तक शाम की, आज शाम हो गई है ना इस समय, सुबह तक शाम की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। आज मोदी सेंट्रिक पॉलिटिक्स क्या देश में नहीं हो गई है? क्या ये विपक्षी गठबंधन जो अरविंद केजरीवाल जी की टैगलाइन थी एक वक्त पर कि सब मिले हुए हैं जी, वो आज सबको मिलना पड़ रहा है ताकि मोदी को रोक सके? और जो आप कह रहे हैं कि भाई मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजस्थान के चुनाव में बहुत लोगों ने मोदी नामा पढ़ा और लाल डायरी ढूंढते रह गए। मैं तो कहता हूं मीडिया के साथी भी बहुत लोग लाल डायरी ढूंढ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लाल डायरी अगर चली गई थी तो अंजना जी एक शो तो लाल डायरी पे बनता है। आज तो आपने लाल ड्रेस पहनी हुई है। हाँ। अरे हमारे कपड़े का रंग दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग क्यों नहीं दिखता है? ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये अंजना जी, वो लाल डायरी का जिसका क्रेडिबिलिटी बताइए ना, उस पे आइए ना सर। मीडिया के साथियों की तरफ से एक शो तो बनता होगा कहीं ना कहीं। खैर आपको अगर कॉमेडी शो करना है आज तो अच्छा है, होता है और जब तक कॉमेडी शो करना है तो करते रहिए आप। नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं कोई कॉमेडी शो नहीं कर रहा, कॉमेडी शो तो कॉमेडी क्या है, आपके कपड़े का रंग लाल है ये क्या होता है? आलोक जी कपड़े का रंग लाल है इसे लाल डायरी पे शो कर लीजिए, ये क्या तमाशा है? मैंने केवल ये कहा, डोंट डू दिस, इट इज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल एंड इट्स नॉट इन गुड टेस्ट कि लाल डायरी पे शो कीजिए क्योंकि आपने लाल कपड़े पहने हुए हैं, ये तरीका नहीं होता है बात करने का। प्लीज मर्यादा के अंदर रहकर आप बात कीजिए, और मेरे कपड़े के कलर और मेरे उस पर पहुंचने की जरूरत नहीं है, इशू पे रहिए आप। लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल था, आप उस पर जवाब दें। और लाल डायरी पर जितने शोज करने थे किए हैं, क्योंकि विधानसभा में लाल डायरी की खींचा तीनी विधायकों के बीच में चल रही थी, जवाब दीजिए सवाल के। राजस्थान में आप कीजिए ना शो उसके ऊपर, ये इमोशनल कार्ड में नहीं खेलता हूं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आपको वाहवाही भी हजम नहीं होती तो हम लोग क्या करें? आप बताइए ना, आपका कोई इलाज नहीं है, आप लोगों का कोई इलाज नहीं है आलोक जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का वाहवाही भी नहीं है लस्ती, अनेकता में एकता दिखी हम लोग लिख रहे हैं ऊपर में, ये भी आपको हजम नहीं हो रहा है। आप लोगों के साथ दिक्कत यही है, दिक्कत है कि न्यूज पर अगर कुछ भी उस दिन की घटनाओं पर चर्चा की जाए तो आपको अनपच हो जाता है। अरे क्यों नहीं करेंगे आलोक जी, अब आपको सुनना होगा, आपने बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया, मेरे के कपड़े के रंग तक आप उतर गए, अब आप सुनेंगे, अब मैं बोलूंगी। अनेकता में दिखने लगी एकता, ये टॉप बैंड है, जब आपके एकजुटता हुई है, सीट शेयरिंग हुई है तो उस पर आज चर्चा हो रही है एक घंटे की, और हमने रिपोर्ट में दिखाया आपकी आवाज जा नहीं रही है, इसलिए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सवाल अब आया है नेताओं की क्रेडिबिलिटी पर, क्योंकि आपको भी इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको किसको उतारना है, एक छोटा सा इस पर जवाब दीजिए, फिर बहस में अन्य लोग इंतजार कर रहे हैं।
देखिए अंजना जी, क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी बनती है कामों से, लेकिन कामों की कोई बात ही नहीं करता है। क्रेडिबिलिटी मोदी जी से पूछिए ना, 35 रुपए लीटर और 35 रुपए का डॉलर और तमाम चीजें तो हो गई होंगी। एक यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार में 50,000 वैकेंसी के लिए 70 लाख बच्चा सड़कों पर रहता है, यही क्रेडिबिलिटी बची है ना। और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, और राजस्थान में पूरा हिंदुस्तान का मीडिया हमसे पूछ रहा था पेपर लीक पर क्या किया, हमने तो कानून भी बनाया। उत्तर प्रदेश में अभी 4 दिन पहले पेपर लीक हुआ, किसी हिंदुस्तान के चैनल ने उसके ऊपर एक डिबेट की हो तो बता दीजिए। तो क्रेडिबिलिटी किस किस की कितनी बची है ये देश देख रहा है, देश तो वाकई देख रहा है। सुधांशु जी देखिए, हम जरा आलोक जी को तथ्यों के आलोक में बता देना चाहते हैं। जो आपने कहने का प्रयास किया, हमारे किसी चीफ मिनिस्टर ने आपके राजस्थान के सीएम की तरह ये नहीं कहा मैं जादूगर हूं, मैं तो पेपर लीक के ऊपर किसी ने जादूगर शब्द नहीं बोला। और आपको बता दूं, वो लाल डायरी फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजेंद्र गुड़ा उस समय मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर का बयान फ्लोर ऑफ द हाउस पे है सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर, और जैसी छींचातानी हुई उसके बाद धक्का मुक्की। और मान्यवर, आप वरिष्ठ व्यक्ति है, क्या बचकाना बयान दे रहे हैं? सदन के पटल पर दिए गए बयान पे FIR हो सकती है क्या? यह संविधान के द्वारा संभव है क्या? एकदम आके कुछ भी बोलने लगना, FIR करवा, चुरा के घसीट के वो लोग ले गए सदन के पटल पर, सरकार के मंत्री ने, क्योंकि वो बर्खास्त बाद में हुए शाम को, जिस समय बोला उस समय कैबिनेट मंत्री थे। तू समझा? और मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, फूहड़ता की आज पराकाष्ठा इन लोगों में आ गई है। बताइए, राहुल गांधी जी बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी के लिए, अमिताभ बच्चन कौन है? राजीव गांधी के क्लासमेट है, आपके स्वर्गीय पिता के सहपाठी रहे हैं, उनके बारे में बोलते हैं नाचने और वो गाने वाली बात। और ये बैठे हैं सपा के, जया बच्चन जी की बहू के लिए बोलते हैं, अभी तक और कहीं बोला होता तो महिला एक्टिविस्ट पता नहीं कितनी हो जाती है, ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए। अब एक कौन से 10-15 साल में तो कभी किसी ने कोई डांस टीवी के ऊपर नहीं देखा होगा ऐश्वर्या राय जी का। सोचिए, इतनी जिसके अंदर मर्यादा ना हो कि अपने पिता के मित्र के बारे में इस ढंग के अभद्र शब्द न बोले। और मैं काम पे बता देना चाहता हूं, ए भदौरिया जी आप भी सुन लीजिए, आलोक जी हम भी सुन लीजिए। काम वो हुआ है कि पिछले 10 सालों में 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 14 करोड़ घरों में नल मिला है, हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी पहुंचा है, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने, और सुनिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश बने। और इतना ही नहीं है, आप ये भी समझ लीजिए G20 और G7 में सबसे हाईएस्ट रेट वाले बने। और सुनो भाई, तो रोजगार पर भी सुन लो, जब आपकी सरकार आई थी तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट है, 27 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट है। और किसानों पर सुन लो, 5,50,000 करोड़ रुपए का कुल MSP दिया था मनमोहन सिंह की 2 सरकारों ने मिलकर, मोदी जी ने 18,39,000 करोड़ रुपए का दिया है, 3.5 करोड़ से अधिक दिया मेरे भाई। क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। एक पंक्ति में मैं कह दूं अंजना जी, भैया बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, क्योंकि आएगा तो मोदी ही, क्योंकि नियत ने। देखा आपने किस तरीके सुधांशु त्रिवेदी ने आलोक शर्मा और प्रियंका कक्कड़ की उतार के रख दी, और साथ में भदौरिया की भी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।